दिल्ली में फूड सप्लाई की छापेमारी में दो गोदामों से 27,000 क्विंटल दालें हुई बरामद। गोदामों में अवैध तरीके से रखी गई थी दालें। पकड़ी गई दालों से 5 दिन तक खाना खा सकती है दिल्ली। साक्षी महाराज ने एक बार फिर आजम खान पर उगला जहर। कहा, अगर आजम खान में हिम्मत है वो तो वो हिंदुओं के बीच आकर बोले जय श्री राम। आजम खान को नहीं है इस्लाम का ज्ञान। बारह दिन बाद आम आदमी पार्टी को दिखाई दिया कूड़ा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद सड़क पर सफाई करने उतरे आप नेता। सबसे बड़ा सवाल, 12 दिन तक कहां थी आम आदमी पार्टी। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा। तिरुपति जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस गोदावरी नदी में गिरी। 6 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत। सुबह 5:30 बजे हुआ हादसा। लुधियाना में अमोनिया गैस ले जा रहे टैंकर में हुआ गैस का रिसाव। जहरीली गैस से कई लोगों की मौत। 100 बीमार, 1,000 लोग हुए प्रभावित। नमस्कार, वल्लभ टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, बात करेंगे सियासत की नौटंकी की। देश की राजधानी में जहां जगह जगह लगे कचरे के ढेर, जहन में सवाल खड़े कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना कैसे पूरा होगा। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल पर क्या गए, देश की राजधानी दिल्ली को कचरे में तब्दील होते देर नहीं लगी। कूड़े कचरों के लगे ढेर से लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। वेतन की मांग को लेकर चल रही एमसीडी की हड़ताल आखिरकार खत्म हुई और फिर शुरू हुई नेताओं की राजनीति। ये रिपोर्ट। रही दिल्ली के लिए राहत की एक खबर है। वेतन ना मिलने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने 12 दिनों से चली आ रही अपनी हड़ताल खत्म कर दी। लेकिन दिल्ली की हितेशी बनने वाली आम आदमी पार्टी 12 दिन बाद दिल्ली की सड़कों पर सफाई करती नजर आई। इस सफाई अभियान में आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत आपके कई नेताओं ने हिस्सा लिया। पड़पड़गंज इलाके में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया झाड़ू लगाते हुए नजर आए तो स्थानीय लोगों ने आपके इस अभियान का विरोध किया। लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल करते हुए कहा कि आखिर 12 दिनों से आम आदमी पार्टी कहाँ थी, जो उन्हें हड़ताल खत्म होने पर दिल्ली की याद आई। नहीं, सफाई कर्मचारी आज सड़कों पर उतरे, हम भी उनका हाथ बटाने के लिए उतरे। उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही थी तो दिल्ली सरकार ने थोड़ा अपने हिस्से के खर्चे में कटौती करके उनकी तनख्वाह देने की कवायद शुरू की है। और क्योंकि दिल्ली के पास भी अभी बहुत पैसा नहीं है, पर उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पैसा दिया इधर से उधर से करके। तो वहीं आपके नेता आशुतोष चांदनी चौक में और आशीष खेतान कृष्णा नगर में झाड़ू लगाते हुए दिखे। सफाई अभियान करने में किसी तरीके से कोई बुराई तो है नहीं। मुझे तो लगता है कि सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हम सब लोगों को ध्यान होना चाहिए, लेकिन कम से कम इस ओर सब लोगों का ध्यान होना चाहिए कि एमसीडी आज दिवालिया होने के कगार पे क्यों दिवालिया हो गई है। तो एमसीडी को दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टतम संस्था कहा जाता है। देखिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और आम आदमी पार्टी तो वो पार्टी है जो सड़कों से ही निकली है, सड़कों से ही पैदा हुई है और दिल्ली की सड़कों पर हमेशा रही थी और दिल्ली की सड़कों पर जब तक दिल्ली है तब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर रहेगी। दूसरी तरफ सफाई अभियान को लेकर बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। कृष्णानगर समेत कई इलाकों में आपके नेताओं को सफाई अभियान में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। लोगों का कहना है कि सफाई हो जाने के बाद अब ये लोग आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि पिछले 10 दिन से जब ये सड़क यहाँ बंद पड़ी थी, 25 दुकानें यहाँ बंद पड़ी थी, तब ये यहाँ पर क्यों नहीं है। आज यहाँ जब सड़कें साफ हो चुकी हैं, कूड़ा उड़ चुका है, आज टोपियां पहन के फावड़े तसले लेके यहाँ पर मीडिया के साथ फोटो खिंचाने के लिए। तो निश्चित रूप से आम आदमी के लोगों का, आशीष खेतान का जो केवल ड्रामेबाजी कर रहे हैं, रेजिडेंट और स्थानीय लोग उनको वहां से भगा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में जो समस्या खड़ी की है ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने खड़ी की है। गौरतलब है कि सैलरी की मांग को लेकर करीब 15,000 सफाई कर्मी पिछले 12 दिनों से हड़ताल पर थे। इस मामले को लेकर दिल्ली में सियासत भी तेज हो गई थी और इस मुद्दे पर कांग्रेस भला कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए केंद्र और आप सरकार दोनों को ही जिम्मेदार बताया है। बहानों से आपका कुछ नहीं होने वाला है। आपका काम जब भी होगा, जब आप दिल्ली सरकार को और हिंदुस्तान की सरकार को सफाई कर्मचारी की शक्ति दिखाओगे। लेकिन अब नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं
और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में कूड़ा हटाने का काम शुरू हो गया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि हड़ताल का ये सिलसिला क्या यहीं खत्म हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीर फिर देखने को मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी। तो तस्वीरें आपने देखी, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरह से जब तक 12 दिनों तक जब दिल्ली परेशान थी, दिल्ली में गंदगी के अंबार लगे हुए थे, तब किसी ने कूड़ा उठाने की जहमत नहीं उठाई। वहाँ पर कोई भी आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ नहीं पहुँचा, किसी भी कोई भी सियासी दल वहाँ नहीं पहुँचा जो दिल्ली के लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन जैसे ही ये हड़ताल ख़त्म होती है तुरंत पहुँच जाते हैं और झाड़ू लगा एक नाटकीय तौर पर झाड़ू लगाने लगते हैं, नाटकीय तौर पर कूड़ा उठाने लग जाते हैं कि वो दिल्ली की जनता के हितैषी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, आपका स्वागत है वीटीवी पर। संबित जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। शायद दिक्कतें आ रही हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ड्रामेबाजी लगातार चली है। ड्रामेबाजी 12 दिनों तक कोई ड्रामेबाजी नहीं हुई, लेकिन जब सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई तब ये ड्रामेबाजी शुरू हो गई और कूड़ा उठाना शुरू कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार राजनीति के लिए ही क्यों कूड़ा उठाया गया? क्या दिल्ली की जनता की परेशानी पिछले 12 दिनों से आम आदमी पार्टी के नेताओं को नहीं दिखाई दे रही थी? जो दिल्ली गंदी हो रही थी, दुकानें बंद पड़ी थी, सिर्फ गंदगी की वजह से बंद पड़ी थी, क्या वो सब कुछ आम आदमी पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा था? अब आज हाथ में लेकर आप झाड़ू चल दिए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं जब सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाने के लिए निकल चुके हैं, जब उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दिया। एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा जी, उनसे बात करेंगे। संबित जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। संबित जी, ये जो ड्रामेबाजी आज हुई है, नौटंकी हुई है, क्या 12 दिन तक कहाँ थी आम आदमी पार्टी? स्वाभाविक रूप से ये जो आम आदमी पार्टी कर रही है इसको देख के बड़ा आश्चर्य लग रहा है। आप देखिए, कल जिस प्रकार से हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी की फटकार लगाई और आम आदमी पार्टी के सरकार से कहा कि नंबर एक की जो सफाई कर्मचारी है, गरीब सफाई कर्मचारी है, आखिर इन्होंने क्या गुनाह किया है जो इनको महीनों तक तनख्वाह नहीं दी जाती है। इस पे आम आदमी पार्टी के काउंसिल ने कहा कि हमारा अभी तक बजट सेशन आम आदमी पार्टी का नहीं हुआ है, बजट सेशन होने के बाद हम इसको पारित करेंगे, बजट जो एमसीडी का होता है। हाईकोर्ट ने उन्हें फटकार लगा, कहा कि आप बजट सेशन नहीं कर रहे हैं तो इमरजेंसी सेशन बुला के पैसा तो सैंक्शन कर सकते हैं। और देखिए आज किस प्रकार से झाड़ू लेने की ये ड्रामा किया जा रहा है। कहां थे 12 दिन से सड़कों पर बिना वेतन के जो काम कर रहे थे उनके कारण इस प्रकार परिस्थिति हुई, तो आपने झाड़ू लेके 12 दिन से इनको सड़कों पर उतरना चाहिए था, उस समय नदारद थे। आज जब स्ट्राइक कॉल ऑफ हो गया है तो ये झाड़ू लेके पूरी तरह से ड्रामा करने में लगे हुए हैं। समी जी, इमरजेंसी सेशन की आपने अभी बात की, तो इमरजेंसी सेशन लाकर बात की जा सकती थी सैलरी की, लेकिन इमरजेंसी सेशन तब ले आया गया जब ये टकराव चल रहा था संवैधानिक अधिकारों को लेकर, तब तो तुरंत बुला लिया गया था 2 दिनों का। बिल्कुल, आप देखिए चंद दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जिस प्रकार से संवैधानिक टकराव को लेकर और मीडिया के ऊपर जहर उगलने के लिए तुरंत इन्होंने 2 दिनों का विशेष सत्र बुलाया था और किस प्रकार का ड्रामा सीटी ने किया था वो हम सबने देखा है सेंट्रल पार्क में। आज जब हजारों कार्यकर्ताओं को, जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको वेतन नहीं मिल रहा है, एमसीडी पूरी तरह से बंद पड़ी है, कानूनन एमसीडी का सारा पैसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया है, ऐसे में इमरजेंसी सेशन बुला के इन्हें तुरंत बजट पास करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। और आज जिस प्रकार से टोपी लगा लगा के झाड़ू ले लेके ये लोग बाहर आए हुए हैं, हमारा सवाल है कि 12 दिन से ऐसे ही करते तो ये हालत नहीं होती। बिल्कुल संबित जी, एक और आरोप है बीजेपी पर, बीजेपी एमसीडी में है काफी समय से, बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जहां तक कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 22,000 जो घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, कृत्रिम एम्प्लॉयज हैं, उसके विषय में मैं आपको बताऊं कि सीबीआई की जांच भी हो चुकी है और कोर्ट में भी विषय जा चुका है, दोनों जगह से ये क्लीन चिट मिल चुकी है। क्योंकि जो एमसीडी है वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम होता है, बिना अंगूठे के निशान के किसी का अटेंडेंस नहीं लग सकता है, तो घोस्ट एम्प्लॉय कैसे कोई हो सकता है अब? बिल्कुल, तो मतलब भ्रष्टाचार के जो आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है तो ये वही राजनीति मान ली जाए जो शुरू से करती आ रही है आम आदमी पार्टी, आरोपों की राजनीति? नहीं, देखिए, जो भ्रष्टाचार का आम आदमी पार्टी का कहना था कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है इसलिए हम उन्हें पैसा नहीं देंगे, आप देखिए अगर भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो आप उसे जांच करवाइए और जांच के बाद, इसीलिए आपके पास है, जांच के बाद जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए आप उसको जेल में डालिए। मगर ये जो सफाई कर्मचारी बेचारे हैं हजारों लाखों की तादाद में, क्या ये भ्रष्टाचारी हैं? इनको आपने क्यों सजा दी है? इनको आप 4 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं? इन्होंने तो कोई गड़बड़ी नहीं की।
बिल्कुल बिल्कुल पात्र जी, तमाम सवाल उठते हैं, पहले जितेंद्र तोमर, उसके बाद सोमनाथ भारती पत्नी के आरोप, उसके बाद बहुत सारे संवैधानिक तकरारों को लेकर कई बार फटकार लग चुकी है। तो ये जो झाड़ू लगाना, जो सड़क पर निकलना था, क्या उस सब का बचाव करने के लिए था? ये जो छवि धूमिल हो रही है आम आदमी पार्टी की, दोबारा जनता की नजरों में आना था? नहीं, स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार का एक नाटकीय अंदाज में हमेशा आम आदमी पार्टी रहती है वो हिंदुस्तान की जनता देख रही है। आप देखिए, इतने वर्षों से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी रही थी, कभी भी ऐसे हमने दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील होते हुए नहीं देखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हर फ्रंट पे लड़ाई चल रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मिल बैठ के किसी चीज का सोल्यूशन नहीं की जा सकती? की जा सकती है, बैठने को तैयार ही नहीं होते हैं आम आदमी पार्टी। एक उदाहरण देता हूँ, जब सारे सफाई कर्मचारी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के पास गए थे कि आप हमारी जो तनख्वाह है उसे रिलीज करिए, तो अरविंद केजरीवाल जी को उसी कमरे में बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये बात तो करूंगा, मगर पहले सभी लोग एक रैली करो रामलीला मैदान में, उस रैली में आकर मैं बताऊंगा कि तनख्वाह कब दूंगा, कैसे दूंगा। आप बताइए, लाखों खर्च करके रैली करना पड़ता है हर बात को रखने के लिए, रामलीला मैदान में रैली होना चाहिए, कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति कहीं ना कहीं इस सब चक्कर में दिल्ली परेशान हो रही है। एक और सवाल पात्रा जी के, जो भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए आपके ऊपर, उसके बाद इन्होंने बोला कि जो हमने हमारे पास कॉल्स आई उसमें हमने बहुत सारी कार्रवाई की, तो आप लोगों ने बोला कि कार्रवाई नहीं की है, बीजेपी का आरोप है, किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, आप देखिए, तोमर के ही केस को देख, जितेंद्र तोमर के केस को देख लीजिए, इन तमाम केसेस में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी यू टर्न करती हुई नजर आ रही है। पहले तो ये पुरजोर तरीके से तोमर जी के साथ खड़े थे और कह रहे थे कि नहीं, सभी सच्चे डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट एक इमरजेंसी लगा रही है दिल्ली के ऊपर। आज जब तथ्य सामने आ रहे हैं, आज जब सच्चाई सामने आ रही है, तो ये कहते हैं कि जी हमसे भूल हो गई, हम जान नहीं पाए, हमें भी बरगला के चले गए। स्वाभाविक रूप से इनको सब कुछ पता था, मगर जिस प्रकार एक पोस्टर की राजनीति बार बार आम आदमी पार्टी करती है, इससे दिल्ली का नुकसान हो रहा है। चलिए पात्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का जो नाटक जो चला है आज, सियासत की जो नौटंकी दिल्ली में हुई है, वो वाकई में उसने जनता को एक बार फिर झकझोड़ा है, जगाया है कि आखिरकार जो राजनीति हो रही है, 12 दिन तक आम आदमी पार्टी आखिरकार थी कहाँ, 12 दिन तक आम आदमी पार्टी आखिरकार क्या कर रही थी, 12 दिन तक क्यों दिल्ली को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता टोपी लगाकर सड़कों पर नहीं उतरे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे बौखला गया है हाफिज सईद। आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं बौखलाया हाफिज। म्यांमार में हुए सर्जिकल ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। पाकिस्तानी नेता हर समय भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में जमात उल दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने एक बार फिर से जहर उगला है। इस बार जमात उल दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने भारत पर सीधे हमले की धमकी दी है। हाफिज ने कहा कि एशिया की शांति के लिए भारत को खत्म करना जरूरी है। ये रिपोर्ट। म्यांमार में हुए सर्जिकल ऑपरेशन में हमारी सेना ने आतंकियों से 18 जवानों की शहादत का बदला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान और कई आतंकी संगठन बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। ऐसा ही एक बयान आतंकी हाफिज सईद ने भी दिया है। आतंकी हाफिज सईद एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने के कारण खबरों में है। इस बार जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने भारत पर सीधे हमले की धमकी दी है। हाफिज ने कहा एशिया की शांति के लिए भारत को खत्म करना जरूरी है। हाफिज ने भारत की व्यवसायिक नीति का भी विरोध करते हुए कहा कि भारत को इससे काफी नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन अब बहुत हो चुका, पानी सिर से ऊपर जा चुका है। हाफिज सईद ने सीधा भारत पर हमला बोला, साथ ही कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन नीतियों के विरोध में संयुक्त राष्ट्र में आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह का बयान भारत के प्रधानमंत्री ने ढाका में दिया, वही उनके मंसूबों को जाहिर करने के लिए काफी है, किसी अन्य सबूत की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए बयान पर हाफिज सईद ने कड़ी आपत्ति जताई है। यह पहली बार नहीं जब आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे पहले भी उसने भारत के खिलाफ आग उगला है। वहीं पीएम मोदी ने किसी भी देश की सीमा में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन करने को हरी झंडी दिखाई है। अब देखना यह होगा कि हाफिज के इस बयान के बाद भारत क्या कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वल्लभ टीवी।
तो म्यांमार के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान बौखला गया है, तमाम आतंकी संगठन बौखला गए हैं और बौखलाहट में ऐसी बयानबाजियां कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जब डर बैठ जाता है दिल में, जब समझ में आता है कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है, जो इतने समय से लोग करते आ रहे थे भारत के खिलाफ, भारत शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब म्यांमार ऑपरेशन के बाद हिंदुस्तान ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान शांत नहीं बैठने वाला। हिंदुस्तान उन आतंकियों के ठिकाने ढूंढकर उन्हें उनके ठिकाने पर मारेगा। ये इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जीडी बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इस पूरे मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया। बख्शी जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। धन्यवाद बख्शी जी। हाफिज सईद का बयान आया है, आतंकी है बहुत बड़ा, कहता है कि भारत को खत्म करना जरूरी है अगर एशिया को बचाना है तो, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, हाफिज सईद जो है भारत का नंबर वन दुश्मन बनता जा रहा है जी। इसके जहरीले बयान जो है जी, ये हम इनको इतना लाइटली नहीं ले सकते। बिल्कुल, इसी का जो संगठन है लश्कर ए तोयबा, उसी ने सर अंजाम दिया था 26/11 को, और पचासों इस प्रकार के छोटे छोटे ये जो हथकंडे हैं ये करता रहा है। 26/11 में तो इन्होंने हद ही कर दी थी, 10 हथियारबंद आदमी भेजे थे मुंबई के शहर में, जिन्होंने जिन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर कोई 165 हमारे जो है भारत के बेकसूर नागरिकों को शहीद किया था, औरतों बच्चों को शहीद किया था जी। और ये तो एक इंटरनेशनली वांटेड क्रिमिनल है बख्शी जी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसको खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है कि इसे इसे इसके ऊपर अमेरिका ने पाउंटी लगाई है सिर पे, और इसे कैद में हिरासत में लेना अनिवार्य है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान तो लगातार इसे शह दे रहा है, पाकिस्तान में रहकर लगातार जहर उगल रहा है, लगातार जहर उगल रहा। पाक अधिकृत कश्मीर में जाता है, वहां जाकर भारत के खिलाफ जहर उगलता है, पीएम मोदी को धमकी देता है, उसके बाद अभी म्यांमार ऑपरेशन के बाद इसकी ये धमकी किस तरफ संकेत दे रही है? म्यांमार ऑपरेशन के बाद ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं, और अपनी जो है अपनी खुद हौसला अफजाई के लिए जी अब थोड़े जो है बढ़ चढ़ कर बयानबाजी कर रहे हैं। वहां से मुशर्रफ साहब बैठे आग उगल रहे हैं, न्यूक्लियर आग की वो हमको धमकी दे रहे हैं, और यहाँ पे उनके जो ये सरगना हैं हाफिज सईद, ये अपने मुरीदके से भाषण पे भाषण दिए जा रहे हैं, भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, ये तो इनका रोजमर्रा का काम हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो सारी बौखलाहट है ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि ये जो घबराए हुए हैं, पाकिस्तान में जो तंत्र है ये बहुत घबराया हुआ है, बहुत बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनको अब क्लियर संकेत मिल चुका है कि अगर ये अगला कोई बड़ा टेररिस्ट घटना को सरंजाम देने की कोशिश करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा जो है रिपरकशंस होगी। बिल्कुल, मतलब ये जो अटैक इन पर दोबारा होगा और बहुत तगड़ा अटैक होगा, जिस तरीके से अभी म्यांमार में हुआ, भारतीय सेना ने जो अटैक किया, आतंकियों को, उग्रवादियों को घुस कर मारा। तो हाफिज सईद को लेकर देखिए, अमेरिका ने बैन लगा दिया जिस तरीके से आपने भी बताया, तो उसका पाकिस्तान से पूरी शह दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो शह दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान को इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति अपनानी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खतरनाक है, कई बार ये जहर उगल चुका है। देखिए, इसके खिलाफ जैसे मैंने बताया, ये यूएन की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शन लिस्ट है जी। वो बड़े टेररिस्ट सरगनाओं में इसका नाम है जी। दुनिया के जो भी देश यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं उनको उनके ऊपर ये अनिवार्य है कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। पाकिस्तान बंधित है इसके लिए कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। इसका नाम टेररिस्ट एंटिटीज लिस्ट में लश्कर ए तोयबा का है जी, पाकिस्तान की बख्शी जी। आखिरी रिएक्शन आपका छोटा सा। बाय नेम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने तालिबान और लश्कर ए तोयबा को इसमें शामिल किया है, उसका टॉप सरगना है। पाकिस्तान को कानून के जरिए के तौर पे, और क्योंकि वो बार बार दोहाई देता रहता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 1948 की रेजोल्यूशन की, तो जरा ये रेजोल्यूशन भी पढ़ लें पाकिस्तान के हुक्मरान। बख्शी जी, एक आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, आखिरकार क्या पाकिस्तान की कोई मजबूरी है इसे पनाह देने के पीछे, जो ये लगातार बयानबाजियां करता है, या फिर कुछ और है इसके पीछे का राज? ये मजबूरी तो कुछ नहीं है, केवल ये है कि पाकिस्तान की फौज सीधे सीधे भारतवर्ष से लड़ नहीं सकती, तो उसने लड़ाई का एक ये नया और खिलौना तरीका अख्तियार किया है जिसमें वो सिविल ड्रेस में लोगों को भेजेंगे ताकि वो सिविलियन लगे, और यहाँ आके वो
सिविलियन टारगेट्स पे अटैक करेंगे, वो हमारे जो है आदमी औरतों बच्चों को बाजारों में मारने की कोशिश करेंगे, बम फोड़ने की कोशिश करेंगे अस्पतालों में, इससे घिनौनी और क्या हरकत हो सकती है जी। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान आतंकियों का सहारा लेना चाहता है भारत से लड़ने के लिए। बिल्कुल, यही उसकी नीति रही है 1947 से, क्योंकि सीधे सीधे उसने जब भी लड़ने की कोशिश की है उसे मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, हर बार जो है उसने लड़ाई शुरू की है खत्म भारतवर्ष पे की। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा भारत चुपचाप बैठा रहा है, हमेशा भारत ने बिल्कुल शांत रहा, लेकिन इस बार हिंदुस्तान थोड़ा आक्रामक अंदाज में आया, आक्रामक अंदाज में हिंदुस्तानी सेना है, मनोबल भी बढ़ा है। अब क्या लगता है अगर आगे इस तरीके की कुछ होता है तो पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है जैसे म्यांमार में हुई? बेशक, की क्यों नहीं की जा सकती, इच्छा शक्ति का प्रदर्शन हो चुका है, कैपेबिलिटी का प्रदर्शन हो चुका है जी। और अच्छा है कि पाकिस्तान ऐसी हरकतों से बाज आए, अगर वो शांति चाहता है जी, अगर वो शांति नहीं चाहता तो फिर उसको तैयार होना चाहिए कि ये एक तरफा मामला नहीं होगा कि आप जब चाहें जहां चाहें जगह चुने, वार करें, लोगों को मारें, आदमी औरत बच्चों का कत्लेआम करें, कत्लोगारत करें और वापस चले जाएं और हमें ठेका दिखाएं, तो ये थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बख्शी जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान है जो, पाकिस्तान की शायद कुछ आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, तो शायद कहीं आतंकियों का कुछ सहारा मिल रहा हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इसीलिए ठीक नहीं है कि सारे जो जो उसके रिसोर्सेज हैं उसकी फौज हड़प किए जा रही जी, और डेवलपमेंट के बदले, हाँ डेवलपमेंट के बदले वहां पे जो है फौज की ताकत बढ़ाई जा रही है डिस्प्रोपोर्शनेटली बियॉन्ड एनी रीजनेबल डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्टा इसीलिए बैठा हुआ है। अब जब उनका भट्टा बैठ रहा है, नैया डूब रही है, तो वो उन्होंने नया सिस्टम ये जो इजाद किया बड़ा सस्ता और घटिया तरीका लड़ने का, ये टेररिस्ट भेज भेज के भारत पे बैटल ऑफ 1000 कट्स मतलब 100 छोटे छोटे चाकुओं के वार करे तलवार से, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। चलिए बख्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो बौखला गया है हाफिज सईद और बौखला गया है आतंकवाद, इसलिए शायद इस तरीके की बयानबाजियां पाकिस्तान की तरफ से भी आ रही हैं और तमाम आतंकी संगठन भी घबराए हुए हैं। भारत सरकार का ये मजबूत कदम कहीं ना कहीं आतंकवादियों में डर पैदा कर रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम ताज़ातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वल्लभ टीवी। नमस्कार।